हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन बाय अ गिवन सेट। तो एक सेट गिवन है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो हम लोग को उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कुछ एग्जांपल। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, एक्स रिलेट टू एक्स होता है। तो अगर आप 1, 1, 2, 2, 3, 3 लेते हैं तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। उसके साथ अगर मतलब सारा डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब एक्स के साथ एक्स प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे 1, 2 हो गया या फिर 2, 3 हो गया, तो वो भी रिफ्लेक्सिव ही होता है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट रहना मेन जरूरी है। उसके बाद कुछ भी रहे उसे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो मान लीजिए और एक ऐसा सेट है 1, 1, 1, 2, 3, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2, 2 प्रेजेंट नहीं है, मतलब x रिलेटेड टू x प्रेजेंट नहीं है। और अगर आप एक एम्प्टी सेट लेते हैं तो वो भी कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में कैसे होता है, विद द सेम सेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो सिमेट्री में क्या होता है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप एम्प्टी सेट लेते हैं तो वो भी सिमेट्रिक होता है, एंड एम्प्टी सेट भी सिमेट्रिक होता है। फिर सिमेट्री का रूल क्या है, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो वाई भी रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने सिंपल 1, 2 ले लिया एक सेट में, ठीक है, तो इसको आप कभी भी सिमेट्रिक कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक्स 1 है और वाई 2 है तो 1, 2 अगर प्रेजेंट है तो 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका सेट ऐसे है 1, 2 और 2, 1, तो ये आपका सिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने एक सेट लिया है 1, 1, तो 1, 1 अगर ये x है ये y है, उसको उल्टा करेंगे तभी भी 1, 1 आएगा ना, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। और कुछ एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे है हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये जो है रिफ्लेक्सिव में वो भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ऑल रिफ्लेक्सिव्स आर सिमेट्री, बट सिमेट्रिक्स आर नॉट, ऑल सिमेट्रिक्स आर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे मान लीजिए 1, 1 है, 1, 2 है और 2, 1 है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव का देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव में एक सेट दिया हुआ है हमको यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्टी वाला कुछ रूल नहीं है। तो मान लीजिए मेरा सेट है 1, 1, तो 1, 1 को ऑपोजिट 1, 1 और उसका ऑपोजिट भी 1, 1 है, तो रिफ्लेक्सिव हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। अगर आपने एक सेट लिया है 1, 2 और 2, 3, खाली इतना लिया है, तो ये कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर x है, y है, y है, z है, तो x, z भी रहना चाहिए, 1, 3 भी रहना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। मान लीजिए आपका एक सेट है 1, 1, 2, 3, 3, 1 और 2, 1, तो ये है आपका ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे अगर ये x, y है और ये y, z है, आपके पास x, z भी प्रेजेंट है, इसी तरह आप ले सकते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे इररिफ्लेक्सिव का, तो इररिफ्लेक्सिव में मतलब मैंने क्या बोला था, इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x रिलेटेड टू x नहीं होता है। तो अगर आपने जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में जो लिया है ना, वो उसका उल्टा होता है, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 वैसे नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक सेट। मान लीजिए एक नॉर्मल सा सेट है 1, 2, 2, 3, 3, 4, ठीक है, तो ये आपका होगा इररिफ्लेक्सिव। क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2 ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मान लीजिए ये आपका एक इक्वेशन है, यहाँ पे 1, 1 है, 3, 3 है, उसके साथ आपने 1, 2 भी लिया हुआ है, तो अगर एक भी रिफ्लेक्सिव वाला आइटम रहता है तो वो इररिफ्लेक्सिव कभी भी नहीं होता है। इसीलिए आपको इररिफ्लेक्सिव के लिए टोटली डिफरेंट लेना पड़ेगा। और फिर नॉट रिफ्लेक्सिव अगर है तो उसमें आप मतलब एक रिफ्लेक्सिव वाला टर्म और एक दूसरा ले सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब दो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव वाला है और एक इररिफ्लेक्सिव है, तो इसको हम लोग नॉट रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आते हैं एंटी सिमेट्री और नॉट ए सिमेट्री में। तो एंटी सिमेट्री में क्या होता है, अगर एक्स वाई है, वाई वाई एक्स है, तो एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए। तो वो किसके लिए हो सकता है, वो मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एंटी सिमेट्री का। इसमें क्या बोला है, अगर एक्स वाई प्रेजेंट है और वाई एक्स भी प्रेजेंट है, तो एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी हो जाएगा। अगर आप सारा रिफ्लेक्सिव लिखते हैं ना, तो वो ऑब्वियसली एंटी सिमेट्री होता ही है। मान लीजिए मेरा एक सेट है 1 2 और 3 2, तो ये भी एंटी सिमेट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्रेजेंट है लेकिन वाई एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वाई एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोगों को एक्स इक्वल टू वाई देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई है, पर वाई इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्स, देन एक्स इक्वल टू वाई नॉट नीडेड। समझ में आ गया, मतलब एक है और दूसरा नहीं है, तो तीसरे का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोनों है इसलिए जरूरत है। यहाँ पे 2 1 होता तो 1 1 चाहिए होता, 2 3 होता तो 3 3 चाहिए होता, लेकिन वो है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग को जरूरत नहीं है। और एसिमेट्री में क्या होता है कि एक्स रिलेटेड टू वाई है, तो वाई रिलेटेड टू एक्स नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल, अगर आप 1 2 लेते हैं तो वो भी चलेगा, 1 2 2 3 कोई भी आप लेंगे उसमें, तो वो एसिमेट्री होता है।